हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ कि फेसबुक अकाउंट जो है मेरा डिसेबल हो गया है, उसको कैसे मैं रीओपन करूँ, एनेबल करूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे जानना है। प्लीज़ आप ऐसा एक वीडियो बनाओ जहाँ पे पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिकली दिखाओगे। इसीलिए मैंने आज के ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे मेरे भर भर के डीएम आ रहा है, फेसबुक पेज पे बहुत सारा डीएम आ रहा है, और उसके बावजूद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहा है कि सर मेरा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया है, अब मैं कैसे उसको रीओपन करूँ, एनेबल करूँ, क्या कुछ प्रोसेस है, आप पूरा डिटेलिंग में वीडियो बना दो ताकि हम लोगों का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो आज के ये वीडियो आप सभी यूजर के लिए ही मैंने बनाया है। तो वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नो मोर फर्दर डिले, चलिए लैपटॉप के मॉनिटर पे चलते हैं और आपको आज प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे डिसेबल हुए अकाउंट को आप लोग फिर से रीएनेबल करोगे, एक्टिवेट करोगे। सबसे पहले दोस्तों आपको आपके क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। अगर मोबाइल से आप ओपन कर रहे हो तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, और उसके बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट का लॉगिन है वो ओपन करना है। ऐप से नहीं करना है, ये क्रोम ब्राउज़र पे करना है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, और उसके बाद आपको ओपन कर लेना है आपका फेसबुक लॉगिन। फेसबुक लॉगिन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा इंटरफेस, जहाँ पे आपको आपका मेल आईडी जो है फेसबुक का वो डालना है, और उसी के साथ पासवर्ड डालना है, फिर आपको लॉगिन होने की कोशिश करना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन होने की कोशिश करूँगा, तो मैंने अभी लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन तो नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो चुका है। तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, और ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वॉज डिसेबल बाई मिस्टेक प्लीज़ विजिट द हेल्प सेंटर। मतलब कि ये वाला ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो अकाउंट को मैं फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस अकाउंट का कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन बटन भी आ रहा है। मतलब कि ये अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, मगर अकाउंट पे लॉगिन नहीं हो पा रहे, क्योंकि अकाउंट जो है वो डिसेबल कर दिया गया है। तो आपको इस केस में अगर आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है तो ही ये जो मैं अभी ट्रिक दिखाऊंगा ये काम करेगा। तो अगर आपका भी अकाउंट डिसेबल हुआ है, लॉगिन होने की कोशिश करने पे डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है, और साथ में यहाँ पे कहीं पे भी परमानेंटली डिसेबल नहीं लिखा आ रहा है, तो आपको अभी जो दिखाऊंगा ये प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद आपको सिंपली से गो टू हेल्प सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा एक नया पेज खोल के आएगा, जहाँ पे पूरा रीज़न डिटेलिंग में लिखा होता है कि डिसेबल किस किस रीज़न से होता है और उस इशू को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। मान लो आपको मालूम है आपने कुछ गलती नहीं किया है, जो भी रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले आप देख सकते हो व्हाई अकाउंट इज डिसेबल पे लिखा हुआ है, पोस्टिंग कंटेंट दैट डज नॉट फॉलो द फेसबुक टैग। मतलब कि आपके फेसबुक अकाउंट पे आपने ऐसा कुछ कंटेंट पोस्ट कर दिया है जो फेसबुक टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट जाता है, जिसके वजह से आपका अकाउंट हो सकता है डिसेबल हो गया है। नहीं तो दूसरा होता है यूजिंग ए फेक नेम। तो यूजिंग ए फेक नेम का मतलब होता है यहाँ पे मान लो आपका जो रियल नेम है उससे मिलता जुलता नाम आपने नहीं रखा है, कुछ निकनेम रख दिया है, ये होने से भी आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो सकता है। उसके बाद बोला है इनपर्सोनेटेड समवन, मतलब कि आपने किसी का अकाउंट का जो नाम है और अकाउंट का जो फोटो है वो लेके चुरा के एक फेक अकाउंट क्रिएट कर दिया, उस रीज़न से भी आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूइंग बिहेवियर दैट नॉट अलाउड ऑन फेसबुक बाई वायोलेटिंग आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। फेसबुक का कहना है आपने फेसबुक का कोई ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैंडर्ड जो होता है उसके अगेंस्ट जाके कुछ काम किया है आपके फेसबुक अकाउंट पे, जिसके वजह से शायद आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया है फेसबुक वालों ने। और लास्ट जो रीज़न दिया है वो है कॉन्टैक्टिंग अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ हैरेसमेंट
एडवर्टाइजिंग प्रोमोटिंग एंड अदर कॉन्डक्ट डैट नॉट अलाउड। आपने ऐसा कुछ लोगों को हैरास करके कुछ लिख दिया या फिर ऐसा कुछ एडवर्टाइज प्रोमोशन आप कर रहे हैं जो फेसबुक पे अलाउ नहीं है, उसके वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो डिजेबल हो सकता है। मगर आप मान लो कि आपका जो प्रोफाइल है वो एकदम जेन्युइन है, आपका जो प्रोफाइल नेम है वो आपके आइडेंटिटी प्रूफ से मिलता है, आपने ऐसा कोई भी घिनौना हरकत नहीं किया है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, मगर फिर भी आपका अकाउंट जो है डिजेबल हो गया है। इस केस में आपको एज ए फेसबुक यूजर जो करना है, जैसे आप क्लिक करोगे ये पेज पे तो आओगे, उसके बाद आपको सिंपली से नीचे जाना है। नीचे यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन आई डू इफ माई अकाउंट हैज बीन डिजेबल। तो आपको क्या करना है अगर आपका अकाउंट डिजेबल हो जाए तो, यहाँ पे आपको सिंपली से यहाँ पे आप देख सकते हो यूज दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू। ये रिक्वेस्ट आप तभी रेज कर सकते हो इस फॉर्म को यूज करके अगर आपको लगे आपका जो प्रोफाइल है वो जेन्युइन है, आपने कोई भी पॉलिसी वायोलेशन का उल्लंघन नहीं किया है, आपका प्रोफाइल जेन्युइन है, आपका जो फेसबुक अकाउंट का नेम है और फेसबुक का जो डिटेल आपने भरा था वो आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आप आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो चार ही फेसबुक एक्सेप्ट करते हैं, एक तो है पैन कार्ड, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा है पासपोर्ट और चौथा है वोटर आईडी कार्ड। आधार कार्ड फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपको लगे कि आपका सब कुछ आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो मैच कर रहा है आपके फेसबुक प्रोफाइल से, तो ही आपको यहाँ पे जाके यूज दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं अभी इस पे क्लिक करूंगा मेरे सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होके आएगा। तो ये जो फॉर्म आपके सामने उस पे क्लिक करने के बाद आएगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है ताकि आपका जो डिजेबल हुआ अकाउंट है फिर से ओपन हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है यूजर नेम, तो यूजर नेम आपको वही डालना है जो आपके वोटर आई कार्ड में होगा। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा जो वोटर आई कार्ड है या फिर मेरा जो आइडेंटिटी प्रूफ है उस पे जो नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे अभी मैं मेरा जो नाम है यूजर नेम उसको लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल के एच एम आर ए जी सी एच ए, और उसके बाद सरनेम जो है ए जेड। तो ये मैंने लिख लिया। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है ये जो आप यूज़र नेम डालोगे ये यूज़र नेम आपके जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसके साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपका जो फेसबुक का यूज़र नेम है प्रोफाइल नेम है उससे भी मैच होना उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो फेसबुक वाले कभी भी आपका डिजेबल हुआ अकाउंट एनेबल नहीं करेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत सारे जनों का ये कहना है मैं तो फेसबुक पेज पे या फेसबुक प्रोफाइल पे मेरा जो निकनेम है वो यूज़ करता हूँ, आइडेंटिटी प्रूफ पे निकनेम से नहीं होगा, फेसबुक उसको वेरीफाई नहीं करेगा, आपका अकाउंट डिजेबल से एनेबल नहीं होगा। अगर आपका नेम आपके आइडेंटिटी प्रूफ जो है उससे मैच होता है फेसबुक प्रोफाइल नेम, तो ही आप इस प्रोसेस को कर सकते हो और इस प्रोसेस से आपका डिजेबल हुआ अकाउंट फिर से एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम देने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक फाइल अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, चूज फाइल, इस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा कहाँ से आप फाइल को अटैच करना चाहते हो। तो मैं सिंपली से ढूंढ के मेरा जो फाइल है जिसको मैं अभी यहाँ पे डालना चाहता हूँ सिंपली से वो आईडी प्रूफ को मैं ले लूँगा। तो मेरा आईडी प्रूफ है फिलहाल ये वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही ओपन करूँगा तो वो आईडी जो प्रूफ मैं दे रहा हूँ वो यहाँ पे चूज होके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फाइल है जेपीजी पे अटैच हो गया है। उसके बाद जो आपका काम है वो है यहाँ पे जो सेंड बटन देख रहे हो उस पर क्लिक कर देना। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग फेसबुक, यू शुड रिसीव एन ईमेल रेस्पॉन्स शॉर्टली।
एक बात और याद रखना है, आपने आपका फेसबुक अकाउंट को जिस ईमेल आईडी को लिंक करके क्रिएट किया है उसी ईमेल आईडी को एक मेल जाएगा फेसबुक वालों के तरफ से। अभी मैं मेल ओपन करके वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ क्या मेल आता है फेसबुक के तरफ से, और वो भी डिपेंड करता है आपका क्या गलती है उसके ऊपर, ना कि सबको सेम मेल आएगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फीडबैक दे दिया है फेसबुक ने, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक, यू शुड रिसीव एन मेल रेस्पॉन्स शॉर्टली, यू मे नीड टू रेस्पॉन्ड इट बिफोर वी कैन असिस्ट यू फर्दर। इसका मतलब है फेसबुक को आपने अपना जो अपील था वो आपने दर्ज कर दिया है, और फेसबुक का कहना है फेसबुक जितना से जितना जल्दी हो सके आपके ईमेल पे जो फेसबुक से लिंक्ड है उस पे रेस्पॉन्स करेगा रीज़न के साथ, ताकि आपको फर्दर वो लोग हेल्प कर पाए आपके अकाउंट को एनेबल करने के लिए। तो आपको याद रखना है ये प्रोसेस हो जाने के बाद आपको हमेशा आपके ईमेल अकाउंट को चेक करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे आपको फेसबुक के हवाले से मेल किया जाएगा। तो अभी मैं मेरे मेल को ओपन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा मेल है वो आ गया है, और मेल पे क्या कुछ लिखा है यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये था फेसबुक का रेस्पॉन्स मेरे मेल का। तो यहाँ पे फेसबुक टीम से ये रेस्पॉन्स आया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि द फेसबुक टीम रिसीव्ड एन अपील फ्रॉम यू एंड वी विल लुक इनटू द मैटर शॉर्टली फॉर रेफरेंस, योर अपील रेफरेंस नंबर इज दिस। तो ये जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी नंबर है, रेफरेंस नंबर जो फेसबुक के हवाले से भेजा गया है, और साथ ही साथ आपको ये भी बोला जाएगा किस रीज़न के वजह से आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको डिजेबल किया गया है। तो अभी जो मैंने प्रोफाइल का कर रहा हूँ उसका रीज़न यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ नोट दैट दिस चैनल इज़ ओनली फॉर अपील कंसर्निंग द डिलीटेशन ऑफ प्रोफाइल फॉर पोस्टिंग फार्डेंट एंड मिसलीडिंग कंटेंट एंड रिपीटेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन। इफ़ योर अकाउंट वर डिजेबल फॉर अदर रीज़न यू मे नॉट रिसीव रेस्पॉन्स। मतलब के यहाँ पे यही बोल रहा है कि इनका जो अकाउंट है उसको डिलीट या फिर पोस्ट को प्रोफाइल को डिलीटेशन किया गया है पोस्टिंग को, क्योंकि यहाँ पे मिसलीडिंग कंटेंट था और रिपीटेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब के और किसी बंदे का जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रोफाइल से यूज़ किया गया था, जिसके वजह से प्रोसेस फेसबुक का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पे वायोलेशन आया, जिसके वजह से इस अकाउंट को डीएक्टिवेट किया गया था, डिजेबल किया गया था। तो आपको भी ऐसा मैसेज आएगा आपके मेल पे, और आपका जो रेस्पॉन्स होगा फेसबुक वालों का वो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट रीज़न के वजह से अकाउंट जो है वो डिजेबल होता है। तो अभी मैं इसको देखने के बाद मैं भी फेसबुक को अपील करूंगा, इसी मेल पे कर सकता हूं कि सर मेरा जो अकाउंट है वो ऑथेंटिक है, मैंने ऐसे कोई मिसलीडिंग कंटेंट नहीं किया है, जो भी हुआ है मेरा नॉलेज कम होने के वजह से हुआ है या फिर मेरा फेसबुक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम होने के वजह से हुआ है। तो प्लीज़ मेरे अकाउंट को जल्दी से जल्दी एनेबल कर दीजिए, ऐसा काम मैं दोबारा लाइफ में नहीं करूँगा। ये लिख के मैं इस मेल का रिप्लाई करूँगा और उसके बाद फेसबुक का फिर से वेट करूँगा फेसबुक इसके ऊपर क्या बोलता है। तो इसी तरीके से आपको भी आपके जो अकाउंट है जो डिजेबल हो चुका है सब कुछ ठीक रहा तो आपको ऐसा ही प्रोसेस करना है। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से क्रिएट किया था, मेरा ईमेल से कोई लेना देना नहीं था, मैंने ईमेल को लिंक नहीं किया। तो भाई इस केस में फेसबुक भी आपको कोई मेल तो नहीं कर पाएगा, अगर आपके मोबाइल नंबर पे कोई मैसेज आए तो भला, नहीं आए तो इन केसेस में मैं भी आप लोगों का कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आशा करता हूँ पूरा प्रोसेस
फेसबुक को कैसे डिजेबल हुए अकाउंट को एनेबल करना पड़ेगा, आप लोगों को समझ आ गया है तो आपको भी ऐसे ही अपील करना है। उसके बाद अपील का क्या रेस्पॉन्स आता है उसके ऊपर डिपेंड करके, उसको समझ के आपको फिर से उस ईमेल का रिप्लाई करना है और उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है उसको फेसबुक वालों के ओर से फिर से ओपन कर दिया जाएगा। अगर आपने आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो अगर एक बार फेसबुक के हवाले से वेरीफाई कर ले तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इस वीडियो पे पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक पहुँच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।